गुड मॉर्निंग किड्स, रेडी? ओके, गुड मॉर्निंग विद फुल स्माइल. गुड मॉर्निंग. नहीं नहीं, अभी भी कुछ बच्चे हंस नहीं रहे. गुड मॉर्निंग. अच्छा, बोथ योर हैंड्स अप, कम ऑन, क्लैप 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 क्लैप, फुल पावर क्लैप. यस यस यस, थोड़ी नींद भगानी है ना, कम ऑन क्लैप और जोर से, घर तक आवाज जानी चाहिए. वेरी गुड. नींद भगवान का नाम लेते हैं, राइट? कैसे लेते हैं ना भगवान का नाम सुबह उठ के मम्मा पापा के साथ. अच्छा, कितने बच्चे रोज कितने बच्चे हैं जो रोज सुबह उठ के प्रेयर करते हैं? वेरी गुड, इतने सारे बच्चे रोज प्रेयर करते हैं. वेरी गुड वेरी गुड. जो नहीं करते ना, वो भी अब बिल्कुल करना चालू कीजिए. तो सबसे पहले हम श्लोक की शुरुआत करेंगे. मैं ज्योत्सना मैम को बुलाना चाहूंगी कि वो आए फटाफट और एक अच्छा सा श्लोक बच्चों को सिखाएं. गुड मॉर्निंग. ओके, जय श्री कृष्णा. Perfect. So what we did yesterday, all are ready to chant the shloka? Yes, everyone? Chaliye, good. So we will repeat today, yesterday shloka also. Aur uske alawa, kya sikhenge? Ek aur shloka chant karenge. Saath mein, theek hai? Aur, so everyone, close your eyes. Very good. Join your hands. Join your hands. Very nice. First, I recite, then you people. Okay, repeat after me. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viram Karvavahai तेजस्विनामदीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. एक बार और रिपीट करेंगे, फिर इसका अर्थ जानेंगे और कल वाला श्लोक फिर से रिपीट करेंगे. तो ये श्लोक आपको पता है कहाँ से लिया गया है? कोई भी पीछे बड़े बच्चे हैं, दे माइट नो अबाउट ऑल दिस. कहाँ से लिए गए ये श्लोक? ये जो यूनिवर्सल पीस या शांति मंत्र, ये कहाँ से लिया जाता है, पता है आपको? नहीं पता है. ये क्या है? ये वेद वाणी है. क्या है? हाँ, तो वेदास में से लिया गया है, उपनिषद में से लिया गया है. और वेद कितने हैं? कोई भी रेज योर हैंड, हाउ मेनी वेदास आर देयर? फोर वेदास. वेरी गुड. एनीवन कैन डिस्क्राइब प्लीज? कोई भी? हाँ, आप बोलो बेटा, पीछे वाला बोलो. मैम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. अथर्ववेद और सामवेद, है ना? हाँ, तो अभी वेरी गुड, सबको पता है. क्लैप करें. वेरी नाइस. तो पहला रिपीट करेंगे, साम वेद. सभी बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद. एक बार प्रीवियस श्लोक को फिर से रिपीट करेंगे. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहा वीर्यं कर्वावहै. तेजस्वी रामधीतमस्तु
अब इस मंत्र का अर्थ क्या है? एनीवन नो? अच्छा, चलो फिर हम साथ में जानते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि हे भगवान गणपति, हम जो भी विद्या अर्जित करते हैं या जो भी हम अध्ययन करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, हाँ बोलो, अध्ययन मतलब पढ़ना, या जो भी हम सीखते हैं, ठीक, वो सब कुछ क्या है? वो हमारी रक्षा करे, हमारा अर्जित किया हुआ ज्ञान हमारी रक्षा करे, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान हमारी, वह हमें भोजन दे, वह हमें भोजन दे, इस ज्ञान से हम तेजस्वी बने, तेजस्वी बने, इस ज्ञान से हम ब्राइट हो, ब्राइट मीन्स ब्रिलियंट विद द शार्प माइंड, क्या? इस ज्ञान से हम प्रक्रमी बने, शांति ही। गॉट एवरीवन? एक बार फिर से रिपीट करें श्लोक को। ओम सैक्र, जॉइन हैंड, वेरी गुड, आईज क्लोज एवरीवन, गुड। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनामधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति। अभी जो हमने कल श्लोक चांट किया था, पीछे बच्चों में से जो एल्डर्स, हाँ, ये आपको ये भी बताएगा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेरी गुड, ओके, जय श्री कृष्ण, एन्जॉय योर नेक्स्ट सेशन, गुड बाय। चलिए, कम ऑन, क्लैप फॉर ज्योत्सना मैम, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, ये दोनों श्लोक जो आपने सीखे हैं, कल जो सीखा था और आज जो सीखा है, वो घर जाके प्रैक्टिस करना है, ठीक रहिए। आप सब बहुत प्यारे लग रहे हो रेड रेड में, पता है आपको, बिल्कुल लाल टमाटर जैसे। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड, इतनी सुबह का सेशन होके भी देर इज सो मेनी स्टूडेंट्स हियर एंड इतना एंथुसियास्टिक, आई एम सो इम्प्रेस्ड। बच्चों, तो एक ताली आप अपने लिए बचाओ, चलो जोर से। तो मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी आपको, है ना। रनिंग किस किस को अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है, दैट्स सो नाइस। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि रनिंग के पहले ना हमें थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ता है, क्यों? करेक्ट, हमें एक तरीके से एनर्जी आती है, और उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ना, जब हम रन करते हैं तो ज़्यादा थकती नहीं है, जब हम रुक जाते हैं तो हमें बॉडी में पेन नहीं होता है। इसलिए आप जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या रनिंग करते हो ना, तो उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप करना है, ठीक है। अच्छा, आप सब बहुत छोटू छोटू हो, तो मैं आपके हिसाब से बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगी, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे ना, कभी भी रनिंग करनी है या कोई भी एक्सरसाइज करना है, उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेना, उससे क्या होगा, बॉडी में पेन नहीं होगा। शैल वी स्टार्ट? ओके, वन हैंड डिस्टेंस ले लिया आपने, है, चलो शुरू किया जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम,
रेडी गर्ल्स? ओके ओके, चलो टेक योर हैंड लाइक दिस, स्प्रेड योर लेग बिट, थोड़ा सा स्प्रेड करो लेग को. ओके, अब अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ. फॉलो मी, बनाए बिल्कुल. जोरदार तालियां मैम के लिए. कम ऑन, क्लैप 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 क्लैप. चलिए अब मैं इनवाइट करूंगी रमेश जी को. गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल आर फाइन? ओके, रेडी फॉर रेस? आवाज नहीं आ रही है. ओके, सारे बच्चे रेडी हैं? और अभी भी आवाज नहीं आ रही है. आपकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि पूरा टाउनशिप को मालूम पड़ना चाहिए कि कुछ इवेंट हो रहा है. अभी ट्रैफिक रिलेटेड कुछ इशू रोड पे होते हैं तो आपको ध्यान से साइकिल चलाना है, राइट? और उसके अलावा कोशिश करना है कि आप हेलमेट पहन के आए. ओके बच्चों, बाकी आज का जो इवेंट है उसमें दो ग्रुप में रेस होगी, तो सभी का रूट अलग अलग है. दो पायलट हैं, पायलट आगे आगे रहेंगे और वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे. पायलट को क्रॉस नहीं करना है और पायलट से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करना है, अभी बताया गया है. और जब आपके पेरेंट्स भी बताते हैं कि बच्चों रोड पे जाने में क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा. ओके, थैंक यू सो मच.
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रमेश जी। चलिए बेटा दूर जा तालियां एक बार ट्रैफिक टीम के लिए, वो आपको पूरे रूट में हेल्प करने वाले हैं। अच्छा वॉलेंटियर्स प्लीज़ ध्यान से सुनिए, जो छोटे बच्चे हैं 5 to 8 years एज तक जो ग्रुप है अपना ए से लेके, वो पहले जाएंगे, वो रोड के उस साइड उनको जाना है फेसिंग दिस साइड ओवल, जो भी सही वे है मूव करने के लिए। एक एक ग्रुप हम लेके जाएंगे, एच तक के सारे ग्रुप एक साइड असेंबल होंगे, उसके बाद जो ग्रुप है वो रोड के इस साइड असेंबल होंगे फेसिंग दिस साइड, ठीक है। आपको वहाँ पे ब्रीफ कर दिया जाएगा, वहाँ पे अपने लोग हैं जो आपको बताएंगे, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही अपने को खड़े रहना है, उसके आगे बच्चे नहीं जाएंगे। चलिए वॉलंटियर शाबाश शाबाश। क्या नाम है आपका? दिव्य। कौन सी क्लास में हो दिव्य? सेवेंथ में। बहुत अच्छी रनिंग करते हो आप, शाबाश शाबाश। आपका क्या नाम है? आयांश। क्लास? वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो थर्ड पोजीशन खाली है, भागो।
वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश बच्चों, स्लो एंड स्टडी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अच्छा दौड़ रहे हो आप लोग, स्लो एंड स्टडी दौड़ो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, बस आधा हो गया है, आधा ही बाकी है। अरे साइकिल में ना लड़ जा रहे हैं, आराम आराम से दौड़ो, आराम आराम से, अच्छा दौड़ो, बाय बाय, वेरी गुड वेरी गुड। हाफ बाय 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 बाय, सी यू बाय बाय, वेरी गुड वेरी गुड, दौड़ते रहो, आधा हो गया, आधा ही बाकी है, हाफ डन, शाबाश शाबाश, वेरी गुड बच्चा वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा कर रहे हो आप लोग, हाफ कंप्लीट हो गया, हाफ बाकी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेल डन वेल डन, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, थोड़ा सा बाकी है, आ जाओ आ जाओ, बस खत्म थई गयो, आवी जाओ आवी जाओ, भागो भागो, उधर उधर भागो, मेरे पास मत भागो, शाबाश शाबाश, वो है फिनिशिंग लाइन, पहुंच गए, चलो चलो, शाबाश शाबाश, शाबाश शाबाश, चलो चलो लाइन क्रॉस करो, लास्ट 50 meters, शाबाश शाबाश, भागो भागो, जाओ भाग के बैठो वहां जाके, फिर आराम से जाओ जाओ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अरे वाह छोटे छोटे बच्चे, भागो भागो, शाबाश, खत्म होने वाला है, जाओ जाओ जल्दी जल्दी खत्म करो, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह छोटे छोटे बच्चे, वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड, भागो भागो भागो, 50 meters बचा है, जाओ जाओ कंप्लीट करो, अरे वाह वाह वेरी गुड शाबाश शाबाश, अरे वाह छोटे छोटे बच्चे आ गए, वेरी गुड शाबाश शाबाश।
आप भी दौड़ रहे हैं क्या? शाबाश, वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा बच्चा है ये तो। रन करने वाले हो? अरे अंकल हमारे पानी ले, पानी लाओ एक दे दे ऐसे दे इधर इधर मैम आपको भी चॉकलेट ये लो ये लो चॉकलेट लिया ना आपने चलो देखो मुझे भी दे दो मैं दे दूंगी है दे दो मेरे को मैं धीरे से धीरे से धीरे एकदम मेरा बेटा है चॉकलेट का रैपर क्या डालोगे जी? अब हम प्लांटेशन करेंगे, क्या करेंगे? अंकल अब बहुत थक गए, अब दूसरी बार मत रन। नहीं नहीं कराएंगे, भागो भागो। करने वाले हैं। वेरी गुड, तो अभी आप आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं। प्लांटेशन का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, एक बार सारे बच्चे असेंबल हो जाते हैं दिया जाएगा, थोड़ी देर में हम सेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चे पीछे फटेंगे, उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारी ट्रैफिक टीम के लिए। चलिए कमान जोर से ताली ट्रैफिक टीम के लिए। जो भी ट्रैफिक का स्टाफ था यहाँ पे, रमेश जी एंड टीम, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस टुडे, एंड मेडिकल टीम ऑल्सो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अब हमारी हॉर्टिकल्चर टीम से ब्रजेश जी आएंगे, वो आपको ब्रीफ करेंगे कि आज हमें प्लांटेशन कैसे करना है। मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं हॉर्टिकल्चर टीम से ब्रजेश, मैं आपको आज प्लांट कैसे तैयार करते हैं वो सिखाऊंगा। लास्ट टाइम तक तो हम लोग क्या करते थे कि आपको एक प्लांट देते थे, ये बताते थे कि पॉट में कैसे लगाना होता है। अभी इस बार मैं बताने वाला हूँ कि प्लांट तैयार कैसे करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर होती है, उसमें से मैं एक सिंपल सी प्रोसीजर है कटिंग, उससे प्लांट कैसे तैयार करते हैं वो आपको बताने जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि कटिंग दो टाइप की जनरली हम लोग लगाते हैं। एक सॉफ्ट कटिंग होती है, ज्यादातर बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि सॉफ्ट कटिंग किसको बोलते हैं। सॉफ्ट कटिंग होती है जनरली पोर्चुला का, जिसको हम ऑफिस टाइम बोलते हैं, 10 o'clock प्लांट बोलते हैं। एक कोलियस होता है जिसको हम गुजराती में बोलते हैं तिलक तुलसी, ऑलमोस्ट लोग शायद उसको पहचानते होंगे। उसको हम सॉफ्ट वुड कटिंग, मतलब कटिंग निकालना और सिर्फ उसको लगा देने का प्लांट तैयार हो जाता है। उसके बाद दूसरी कटिंग होती है हमारी हार्ड वुड कटिंग, वो जनरली जैसे ये प्लांट आप लोगों ने सबने देखा होगा, हमारी पूरी टाउनशिप में ये प्लांट लगा हुआ है। ये बोगनविला को ऑलमोस्ट सब लोग देखते होंगे, क्योंकि ये सारा प्लांट जो है हमारे पास डिवाइडर्स में लगा हुआ है, करेक्ट। उसके बाद ये कनेर वाला प्लांट है, ये प्लांट भी आप लोग पूरी टाउनशिप में देखोगे, जगह जगह आपको मिलेगा।
उसके बाद ये चांदनी प्लांट व्हाइट कलर का जिसका पूजा में भी यूज करते हैं ऑलमोस्ट, इसमें तो सभी प्लांट्स का फ्लावर पूजा में हम लोग यूज करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसकी कटिंग कैसे तैयार करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको लगाते कैसे हैं। ओके, मेरी आवाज आ रही है सब तक? इसकी कटिंग करके लेके आया हूँ मैं अपने पास। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा मोटा प्लांट का कटिंग यूज नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी जो पेंसिल की थिकनेस होती है उस थिकनेस का, या फिर हम ये मान के चले कि हमारी जो उंगली होती है उतनी मोटी कटिंग का यूज करते हैं। हार्ड वुड कटिंग के केस में, सॉफ्ट वुड में तो हम छोटा सा लगाएंगे चल जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो सबसे पहले हम इस प्लांट को देखते हैं, इसमें आप देखोगे कि जगह जगह आपको ऐसी आई बर्ड दिखाई देगी, वहां जब कटिंग वहां से लेके आओगे आपको उसमें एक आई बर्ड भी दिखाई देगी जगह 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 जगह, जिन जगह पे आई बर्ड होती है उसके नीचे से रूट्स निकलती है, ऊपर से उसमें नए पत्ते आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखा है कभी किसी ने? इसको क्या बोलते हैं, कोई जानता है इसका नाम? कटर। ओके ओके, आपको बता दीजिए जी, उम्र के हिसाब से आपको बराबर ठीक पता है, लेकिन इसको सिकेटियर बोलते हैं, ठीक है? कटर बहुत टाइप के होते हैं, स्पेशल कटर होता है, इसको सिकेटियर बोलते हैं, सी कटर, ठीक है? ये हमें इसमें एक नोड मिलेगी, उस नोड के नीचे हम लोगों को इसमें क्या करना होता है कि साइड से है ना प्लांट कट, मतलब ऐसा तिरछा कट काटना होता है। ये ऐसा तिरछा कट कटा रहेगा, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि 6 से 8 इंच की लेंथ होनी चाहिए, उसके बाद हम ऊपर का इसको सब कट कर देंगे। और यदि हमको इसको 6 से 8 इंच रखनी है तो हम इसको ऊपर से भी ऐसा, ऊपर का कट आपका गोल रहेगा, नीचे का मैंने कैसे लगाया तिरछा कट, ऐसा तिरछा कट लगाया है, और ऊपर का कैसा लगाया गोल लगाया है। उसके बाद ये हमारी कटिंग हो गई तैयार, अब हमको इसको लगाना है। इसमें हमको एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम कुछ प्लांट देखते हैं कि उसको कट करते उसमें से मिल्की मिल्की वो आने लगता है, लिक्विड जैसा आता है, मिल्क लिक्विड। तो उन कटिंग को लगाते टाइम हमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये मेरे पास एक कनेर, कनेर को जब आप कटिंग करोगे उसमें से ना मिल्क निकलेगा, दूध जैसा निकलेगा, तो हमें क्या करना है उसको कटिंग करके और उसको शेड में रख देना है एक दिन के लिए, जब तक कि वो सूख नहीं जाए, हल्की सी सूख जाएगी कटिंग फिर उसको लगाना है। ऐसे का ऐसा लगा देंगे यदि हम, तो उसमें वो रूट्स नहीं बनेगी और आपका प्लांट नहीं तैयार होगा। ओके, अब मैं है ना आपको कैसे कटिंग लगाते हैं पॉट में वो सिखाता हूँ। ये हमारे पास जैसे पॉट होगा बराबर, ये सबने देखा होगा, सबको मिल जाएगा, इजीली मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली घर में हम सिर्फ मिट्टी लगाते हैं और मिट्टी में कटिंग डालते हैं और बोलते हैं कि हमारी कटिंग नहीं चल रही, मर गई। तो उसके लिए क्या, या तो हम बहुत एक्सेस में पानी डाल देते हैं, तो पानी भी हमको बहुत कम डालना है, और पानी उसमें से ड्रेन आउट हो जाए इसलिए हम लोग जनरली उसमें कोकोपीट का यूज करते हैं, ठीक है? ये मेरे हाथ में कोकोपीट, ठीक है? ये कोकोनट होता है उससे तैयार किया जाता है, कोकोनट की जो शेल होती है उससे जो हम देखते हैं ना ब्राउन कलर का निकलता है ऊपर से कवर, उसको क्रश करके और उससे ये तैयार करते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉट में हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी, माइक, ये जो हमारा पॉट है ना, इस पॉट में सबसे पहले मैंने क्या डाला है, मिट्टी डाला है बराबर। और ये मिट्टी डालने के बाद फिर ये जो हमारा कोकोपीट होता है, ये कोकोपीट को हम लोग डालते हैं, या तो कोकोपीट और मिट्टी दोनों को पहले बाहर करके मिक्स कर लो और उसके बाद फिर हमारा पॉट भरो। दूसरा, जब आप वहाँ पे पॉट लेने जाओगे ना, तो आपको कोकोपीट के साथ एक व्हाइट कलर का छोटा छोटा ऐसा लगेगा कि पत्थर डाले हुए हैं, वो पत्थर नहीं होता है, वो परलाइट है, उसको परलाइट बोलते हैं। उससे क्या है कि प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलता है, इसलिए हम लोग कटिंग जब लगाते हैं तो कोकोपीट जो है वो परलाइट मिक्स कोकोपीट का यूज करते हैं। और कोकोपीट इसलिए डालते हैं कि वो सिर्फ मॉइस्चर को बना के रखेगा, वहाँ पे मॉइस्चर सिर्फ बना रहेगा, ताकि रूट को जितना निकलने के लिए पानी चाहिए उतना ही उसको अवेलेबल रहेगा। आप गलती से एक्सेस पानी डाल लोगे तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा। ओके, ये मिक्सचर तैयार करने के बाद उसमें पानी नहीं डालना है,
ध्यान रखना, जो भी अभी कटिंग प्लांट करोगे आपको ये मिक्सर के साथ पॉट वहाँ पे रेडी करके देंगे, एक कटिंग देंगे, और कटिंग को कैसे लगाना अभी मैं वो बता देता हूँ। ये आपका पॉट रेडी है, ये आपके पास कटिंग रेडी है, वहाँ पे कटिंग आपको मिलेगी, उसमें ऊपर का कट गोल होगा, नीचे का कट प्लांट होगा, मतलब तिरछा कट होगा। तो वो तिरछा कट इसीलिए लगाया है, उसके दो रीज़न है कि हमें पता रहे कि कौन सा पोर्शन हमको ज़मीन में लगाना है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया है, तिरछा कट लगाया है। दूसरा, तिरछा कट लगाने का फ़ायदा ये रहेगा कि रूट निकलने के लिए उसको थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिलेगी जब वो तिरछा कट रहेगा। ये कटिंग लेने का है, और इसको ऐसा उंगली या आपके पास कोई तीखा जो भी हो उससे थोड़ा सा छेद करने का, उसको लगाने का, और वापस इसको ये कटिंग लिया मैंने, मैं ये कटिंग थोड़ी सी मोटी साइज की है तो मैं तो इसको इजीली ऐसे दबा के लगा दूंगा, लेकिन आपको वहाँ क्या होल करके लगाना है, और उसके बाद ये कोकोपीट को कवर कर देना उससे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इसमें पानी डालना है, पहले कभी भी गीला करके पानी नहीं डालना है कटिंग लगाते टाइम, खास कर ध्यान रखने वाली चीज है, ओके। अभी जब आप एक घर लेके जाओगे तो उसके बाद हमको बहुत सारा पानी नहीं डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा यहाँ से डाल के लेके जाना है, और डेली इसको पानी डालना है। दूसरा, सब में क्यूरियोसिटी होती है कि अरे मैं देखूँ इसमें रूट निकली या नहीं निकली, रूट निकली या नहीं निकली, तो एक बार लगाने के बाद उसको बार बार निकालने का नहीं है, बार बार मतलब एक भी बार नहीं निकालना है, ठीक है। यदि आपकी कटिंग में यदि नया पत्ता नहीं आता है तो नर्सरी आना, मैं दूसरी कटिंग दे दूंगा आपको, और प्लीज मम्मी लोग मत जाना, ठीक है। ये मैंने आपको कटिंग लगाना सिखा दिया है, इसमें 20 से 25 दिन में आपको नए नए पत्ते आएंगे, और सबसे पहले इसमें पत्ता आएगा, उसके बाद इसकी जड़ें आती है, कटिंग में ये रहता है। और जब हम सीड डालते हैं, हाँ 25 से 30 दिन। दूसरा, इसको घर ले जाके डायरेक्ट सनलाइट में मत रखना, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है इसको, पॉट को ऐसी जगह रखना जहाँ पे लाइट आएगी लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, ओके। तो अभी आप तीन तीन के ग्रुप जो जाएंगे वहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे मेरे माली भैया बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके लिए पॉट तैयार करे हैं, जो बड़े बच्चे हो चाहेंगे तो वहाँ पे पॉट भी अपना तैयार कर सकते हो, सबको ऐसे कटिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा सेशन खत्म होने जा रहा है, अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और